नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को अयोध्या जाएंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे पीएम मोदी। अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है। सुबह 10:25 पर अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसके बाद सुबह लगभग 11:15 अयोध्या हेलीपैड पर पहुंचेंगे पीएम मोदी। सुबह 10:55 पर श्री राम जन्मभूमि पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 11:00 से दोपहर 12:00 तक का समय आरक्षित किया गया है। दोपहर 12:05 से 12:55 तक प्राण प्रतिष्ठा में पीएम मोदी मौजूद रहेंगे। वहीं 12:55 पर पूजा स्थल से रवाना होंगे पीएम मोदी। दोपहर 1:00 से 2:00 तक सार्वजनिक समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी। अयोध्या में एक सार्वजनिक समारोह में भी हिस्सा लेंगे पीएम। दोपहर में 2:10 पर कुबेर टीला में दर्शन पूजन करते हुए भी नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल का कार्यक्रम की रूपरेखा क्या कुछ होगी, वो भी हम आपसे साझा कर रहे हैं। दरअसल अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा, क्या कुछ दौरे के दौरान उनका क्या कुछ रूपरेखा रहेगी, वो तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुबह 10:55 पर राम जन्मभूमि पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। 11:00 से दोपहर 12:00 तक का समय आरक्षित किया गया है। दोपहर लगभग 12:00 से 1:00 तक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में ही मौजूद रहेंगे। और उसके बाद दोपहर में 2:10 पर कुबेर टीला में दर्शन करने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। इस खबर से जुड़ी तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी अयोध्या से लाइव जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पहुंचेंगे अयोध्या और उनके कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही है, क्योंकि कल देश एक बार फिर से दिवाली मनाने की तैयारियों में काफी लंबे समय से जुटा है। अब वो आखिरकार समय आ गया है जब एक बार फिर से दिवाली मनाई जाएगी। कल को लेकर के क्या कुछ खास इंतजाम अयोध्या में देखने को मिल रहे हैं? देखिए बिल्कुल, और एक भव्य आयोजन की तैयारी 22 तारीख को जो भव्य राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह ये अयोध्या में, और जिस तरीके से हम यहाँ तस्वीरें जो विजुअल देख रही हैं, लता मंगेशकर चौक और ये जो सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, यहाँ पर भक्त जनों में काफी भारी उत्साह है। पुलिस फोर्स तैनात है यहाँ पर और काफी व्यापक इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। आज अयोध्या में राम मंदिर की दिव्यता के लिए महापूजा जो है उसमें विराजमान रामलला आज शाम महाधीराज के रूप में प्रवेश करेंगे और इसी के साथ जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम चल रहा है उसके श्रृंखला में जो शनिवार को नव्य दिव्य मंदिर में अर्थ से फर्श तक 81 रजत कलशों के साथ पवित्र जल का छिड़काव कर शुद्धिकरण किया गया था, तो ये प्रक्रिया चल रही है। इसी के साथ ये जो पर्व है बड़े भव्य तरीके से इसको मनाने की तैयारियां की जा रही है। यहाँ पर जनसमूह भारी तादाद में देखने को मिल रहा है, अलग अलग जगह से जो लोग आए हैं भारी उत्साह के साथ, और जो सेल्फी पॉइंट है वहां पर भी वो तैनात है। तो ये जरूर है कि जो अयोध्या है राम में अयोध्या वो देखने को मिल रही है, और साथ ही यहाँ पर जो सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, जगह जगह जिस तरीके से जो राम भक्त है वो यहाँ पर भक्त और जो राम धुन है वो गाते हुए नारों के साथ नजर आ रही है, अपने अपने ग्रुप के साथ ये लोग पहुंचे हुए हैं। तो ये जरूर है कि उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए हैं महाराज आप? कहाँ से आए हैं आप? आश्रम को काघर भाल से आया। और कब चले थे आप और कब पहुंचे हैं यहाँ, और क्या उत्साह देख रहे हैं यहाँ कर, क्या महसूस कर रहे हैं? लोगों में देख रहा हूँ लोगों के बीच बड़ी उत्साह है, सब जगह उत्साह की लहर विलंब है और अच्छा है। आदेश से यहाँ पर आया है, कोई निमंत्रित नहीं है, उनका आदेश सबके पास है, उनका आदेश से उनका देश ये प्राण प्रतिष्ठा का सब साक्षी बनने के और सब साक्षी बनने के और उत्सव में है, और राम जी के साथ भजन कीर्तन भी चल रही है, अलग अलग टोलियां हैं जो अपनी भावना को प्रकट कर रही हैं। तो राम में अयोध्या और उसके पीछे कुछ आप देख सकते हैं जो विशेष कार्यबल है, जो फोर्स है वो भी तैनात की गई है सुरक्षा के मद्देनजर, उनकी विशेष तैनाती यहाँ पर की गई है। तो राम में अयोध्या है और पूरी तरीके से सज संवर कर अयोध्या तैयार है। तो कल का दिन काफी बड़ा दिन होगा जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह वो संपन्न होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी। इससे पहले कई दौरे किए हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर आकर
तो अब वो पल नजदीक आ गया है, ये काफी महत्वपूर्ण पल है और इसीलिए यहाँ पर राम में अयोध्या में सब कोई भक्ति भाव में डूबा हुआ है। बिल्कुल प्रदीप जी, राम में है हो चुके हैं अयोध्या, भक्ति भाव में हर कोई डूबा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री का कल यहां पर पहुंचना भी संभावित है। कल प्रधानमंत्री वहां पहुंच रहे हैं, उनके कार्यक्रम की क्या कुछ रूपरेखा होगी वो भी हमने अपने दर्शकों को बताया है, लेकिन इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि 22 जनवरी और 26 जनवरी को लेकर के पुलिस प्रशासन को सख्त हिदायत दी गई है, माहौल न बिगड़े, सौहार्दपूर्ण माहौल जो राममय माहौल पूरे देश में बना हुआ है उसमें कोई अराजकता न फैले, उसको लेकर के पुलिस प्रशासन को खास व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था के चलते कार्यक्रम के को लेकर के तैयारियां की जा रही हैं? देखिए बिल्कुल, और सुरक्षा के चार चौपद इंतजाम देखने को मिले हैं, पूरी अयोध्या में हाई अलर्ट किया गया है। इसके अलावा जो आधे दिन की छुट्टी केंद्र सरकार की ओर से वो दी गई है, व्यापक इंतजाम इसमें किए गए हैं, सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष दिशा निर्देश तो लोगों के लिए भी विशेष दिशा निर्देश, और यहाँ पर जो कार्यबल है अलग अलग टुकड़ियां जो है वो तैनात की गई हैं जगह जगह पर। जब हमने यहाँ पर अयोध्या में प्रवेश किया था और इससे पहले जिस तरीके से आज सुबह से ही यहाँ पर हाई अलर्ट मोड में लोगों को अलग अलग रास्तों पर जाने की हिदायत दी गई है, जो खास तौर से रोड शो भी होना है प्रधानमंत्री का, उस रूट पर भी विशेष व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तो चप्पे चप्पे पर अयोध्या में यहाँ पर भारी फोर्स तैनात नजर आ रही है, जो हर किसी पर निगरानी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सुरक्षा के कई स्तरीय इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, तो भारी फोर्स तैनात है। और इसके अलावा हाई अलर्ट मोड में यहाँ पर अयोध्या नजर आ रही है, तो सुरक्षा के व्यापक इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। प्रगति, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।